इतनी बड़ी बात हो गई और तुम दोनों यहाँ बैठे छुप छुप के बातें कर रहे थे। हद होती है फरा, ये क्या किया तुमने? अरे तुम्हें शर्म नहीं आई? वो बच्ची शादीशुदा है, दफन क्यों नहीं कर देते अपनी पसंद को? सब कुछ तो दफन हो गया कि आपने आपको भी दफना दूं? क्या हो गया तुम्हें फरहान? ये किस तरह बात कर रहे हो तुम? और किस तरह बात करूं वली? ये सब उस आदिल की वजह से, वो एक नंबर का। वो जैसा भी है रामीन का शौहर है, और अगर वो तुम्हें नजर आ भी गई थी तो पहचानते मत उसे। मैंने तो उसकी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखा। ये सारा इश्यू वो आदिल क्रिएट कर रहा है, लेकिन मेरी तो कोई बात ही नहीं मान रहा। तुम भी अजीब दोस्त हो वली, ना इसको समझाते हो ना इसको रोकते हो। सही तो कह रही है, इसकी कोई गलती नहीं है। और शह दो इसको। मैं शह नहीं दे रहा हूं मां। तो और क्या कर रहे हो? हद है तुम दोनों की भी। सॉरी यार। मैं बहुत परेशान हूं यार रामीन के लिए। तू कुछ कर यार उसके लिए। क्या करूं, क्या करूं मैं? तलाक दिलवा दूं उसे? अगर मैं चाहूं भी तो उसे तलाक नहीं दिलवा सकता। अम्मी जान, बाबा ये कभी नहीं होने देंगे। कभी कभी तो दिल करता है इस दुनिया को आग लगा दूं। वली, एक बात कहूं, कभी कभार पूरे जंगल को बचाने के लिए थोड़े से जंगल को आग लगानी पड़ती है।